छीनकर बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग, बदमाश को लगी गोली। घटना थाना करहल इलाके की भुजिया के पास। एसपी अविनाश पांडे समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद। घायल बदमाश को इमरजेंसी में किया गया भर्ती। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी लगी गोली। पुलिस को चकमा देकर भाग निकला अपराधी। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अपराधी सलमान कई मुकदमों में वांछित चल रहा है, जिसकी पैसी कराने के लिए पुलिस ले जा रही थी। वह मौका देखते हुए अपराधी ने पेशाब करने का बहाना बनाया, जिसके चलते पेशाब करने के लिए गाड़ी को रोककर पुलिस ने प्रसव कराने के लिए अपराधी को जब नीचे उतारा, तभी सलमान ने पुलिस दरोगा की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी और जिसमें पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरे एक पुलिस मुठभेड़ हुई है सिपाही को। अभी 24/25 की रात में एक थाना करहल में घटना हुई थी, जिसमें कतिपय भैंस चोरों ने कई जगह से भैंस चोरी का प्रयास किया गया था और एक जगह से भैंस चोरी का जब प्रयास किया और उसमें विफल रहे तो एक रामनरेश वाल्मीकि जी को उन्होंने गोली मार दी थी और उनके भाई पर लाठी से वार किया था। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 4 टीमें लगातार दिन रात एक करके लगी हुई थी। इसका सफल अनावरण अभी परसों ही करके आप लोग को सूचित किया गया था। इसी क्रम में जो इनका गैंग लीडर है सलमान पुत्र चमन बंजारा, इसे अरेस्ट किया गया था। इसे अरेस्ट करा के जब पेशी के लिए ला रही थी हमारी थाना करहल की पुलिस, तो हमारे एक एसआई की इन्होंने ऐसा कहा कि इनको भाई पेशाब लगी हुई है, तो चूँकि इनके भी मानवाधिकार हैं इसलिए इनको पेशाब के लिए उतारा गया। परंतु उसी क्रम में इन्होंने धक्का देकर पिस्टल छीन कर भागने का प्रयास किया एवं पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, उसमें घायल हुए हैं। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इन पर 25,000 रुपये का इनाम था। इन्हें पूर्व में भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और नदरई गांव पड़ता है कासगंज में, वहां के ये रहने वाले हैं और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है, जो इनका इलाज है, वो सब कराया जा रहा है। इसके साथ किया पहले से प्री प्लान या अचानक ऐसा कुछ बना था इसमें भागने का? इसमें भागने का तो इनकी अचानक ही घटना थी। ये जब पेशी पर लाए जा रहे थे, इनका बहुत बड़ा गैंग है। वो पूरा गैंग पुराना जो मुकदमा रामनरेश वाल्मीकि जी की मृत्यु में लिखा गया था उसमें वर्कआउट किया गया था और उसमें कई लोग हैं, जिसमें 4 लोग पहले भी जेल भेजे जा चुके हैं, 5 में ये हैं। अन्य लोगों पर भी इनाम किया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी।